मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो ये मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय उसका 4 से 7 तक हम पढ़ें। हे लमुएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना राइसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाएं जो मरने पर है, दाखमधु उदास मन वाले को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें। यहां पर जरा देखें किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा उन बातों को ध्यान देती है जिनको गिरावा मनुष्य उसकी सोच उन विषय में कुछ और ही है। पुराने जमानों में राजा, सम्राट, धनवान दाखमधु की सेवन करते थे। हमें मालूम है, हमने वचन में देखा कैसे फरो के महल में वो दाखरस का प्याला पिलाने वाला कैसे उस बंदीगृह में पहुंचा जहां यूसुफ था। वचन में उस घटना का विवरण है जब राजा बिलसेसर पवित्र मंदिर के बर्तनों में जब दाखरस पीने लगा, कैसे उस रात उसका शक्तिशाली साम्राज्य गिर गया। इसराइल के देश में भी दाख की बहुत खूब खेती होती है और हम वचन में देखते कैसे जब इसराइली जब मरुभूमि में सफर कर रहे थे तब 12 जासूसों को भेजा और वह जब वापस आए तो अंगूर के गुच्छे को उन्हें अपने कंधों पर उठाना पड़ा, इतना भारी था। आज के समाज में भी जब हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं बड़ी पढ़ी लिखी समाज है, समझदार समाज है, आज तो समाज में दाखरस पीना, मदिरा पीना कोई गलत बात कोई नहीं समझता। धनवान लोग अपने मेहमानों का जब उनके लिए भोज तैयार करते हैं दाखरस का सेवन होता है, उनके लिए वो स्टैंडर्ड का निशानी है, स्टेटस का चिन्ह है। और इसी प्रकार आजकल कई विश्वासी भी प्रभु यीशु ने काना की शादी में पानी को दाखरस बनाया बोलकर उस उदाहरण को लेकर खुद दाखरस की सेवन करते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन हमारे सामने वो दिखाता है कैसे पवित्र परमेश्वर की दृष्टि हमारी दृष्टि से भिन्न है। जो बातें हमारे पाप में दृष्टि में ठीक लगती है वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। यहां पर प्रभु की आत्मा ये नहीं कहती कि थोड़ा सा दाखरस पी ले, लेकिन ज्यादा मत पीना। वरन परमेश्वर की आत्मा साफ कहती है, हे लमुएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना राइसों को नहीं फपता। परमेश्वर की आत्मा राजा को क्यों इस आनंद का सुख लेने से मना कर रहा है? क्योंकि नीचे वचन में दिया है कहीं ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। एक राजा ने हमेशा अपने मन में ध्यान रखना है उसके कंधों पर भारी जिम्मेवारी है। यह सिंहासन और यह मुकुट याद दिलाता है कि वो अधिकार और ताकत जो उसके पास है। लेकिन हमने यह समझना है कि परमेश्वर ने लोगों को ऊंचे स्थानों में जिम्मेवारी और अधिकार दिया है ताकि जो व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपी गई है वो अपनी प्रजा को प्यार से और धार्मिकता में उनका देखभाल करें। परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था के अनुसार राजा को दिया गया अधिकार उसने अपने सुख विलास के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, वरन दिया हुआ अधिकार अपने प्रजा के भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, हम परमेश्वर के हृदय को देख सकते हैं कैसे एक छोटा चरवाहा बालक उसको परमेश्वर ने चुना। क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा एक छोटा बालक अपनी भेड़ बकरियों को कितना प्यार करता है,
अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी रक्षा करने को तैयार है। ऐसे में वो चुने हुए लोगों का भी वफादारी से देखभाल करेगा, उन्हें सच्चे मार्ग में चलाएगा और परमेश्वर के भय में उन्हें चलाएगा। इससे परमेश्वर के हृदय को हम देख सकते हैं कि जिनको परमेश्वर जिम्मेवारी सौंपता है उनके प्रति परमेश्वर की सोच क्या है। सो एक राजा के तौर पर लेमुएल को दाखरस की सेवन करने की, दाक मधु की सेवन करने की अनुमति नहीं है, ना ही वो अपने मनोरंजन के लिए, ना ही अपने साथियों के साथ वो ऐश कर सकता है, अपने मन को दूषित नहीं कर सकता ये तात्कालिक सुखों के द्वारा। कहीं ऐसा ना हो वो व्यवस्था को भूल जाए, परमेश्वर के दैवीय सिद्धांतों को भूल जाए जिनके विषय में उसे हमेशा ध्यान रखना है, और कहीं अन्याय ना कर बैठे, किसी दुखी का हक ना छीन बैठे। लेकिन अगले आयतों में हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा आगे किनको ये दाखरस की सेवन करने को बोलती है। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाक मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें। एक व्यक्ति का अगर परमेश्वर पर भरोसा नहीं, हमेशा दुखी रहता है, कष्टों में रोना धोना ही उसका स्वभाव है, तो परमेश्वर की आत्मा कहती है कि मदिरा ऐसे व्यक्ति को पीने दे, क्योंकि वो नाश होने जा रहा है, ताकि थोड़ी देर के लिए अपनी दरिद्रता को भूल जाए, अपने दुख को भूल जाए, थोड़ा तो आराम कर ले, क्योंकि वो तो नाश होने पर ही है। जो लोग नाश के मार्ग में चल रहे हैं उन्हें आजादी है मदिरा की सेवन करने की, दाक मधु की सेवन करने की। परमेश्वर इन्हें रोकेगा नहीं अपने सुख विलास का आनंद लेने के लिए। लेकिन एक परमेश्वर के जन के लिए यह अनुमति नहीं है, क्योंकि उसका जीने का ढंग संसार के अनुसार नहीं। परमेश्वर का जन अपने चाल में अलग दिखता है, दुष्टता भरी दुनिया में उसका आचरण ही अलग है। हम सब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में जानते हैं, कैसे वो विश्वास के लिए खड़े रहे और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी थे। परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने के लिए। कल हमने मनन किया कैसे परमेश्वर ने हमें वारिस होने के लिए चुना है। हम राजकीय पदधारी हैं, मसीह के साथ अनंत काल तक हमने राज्य करना है, हमें संसार के मार्ग में नहीं चलना, परमेश्वर के सिद्धांतों को ताक में रख के चलने के लिए बुलाए गए नहीं हैं। मदिरा और दाक मधु लोगों को तात्कालिक अपना कष्ट भूलने में मदद करता है, उन्हें काल्पनिक जगत में थोड़ी देर के लिए ऐश करने के लिए घुमाता है। वो हमारे मन में भी हमें प्रदूषित करेगा, पाप के लालसाएं पैदा करेगा, पाप के काम हमसे कराएगा जो पवित्र परमेश्वर के लिए घृणित हैं। हम शायद दाखरस या दाक मधु की सेवा नहीं करते होंगे क्योंकि हमें लगता है वो गलत है, लेकिन क्या मैं ऐसा ही आनंद किसी और चीजों में ले रहा हूं जो आनंद ये दाखरस अविश्वासियों को देता है? अगर ऐसा है तो हम उन चीजों से हट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें परमेश्वर के मार्ग से दूर करेगा। आजकल दुश्मन शैतान विश्वासियों को दूसरा सुसमाचार का सुख देता है जो ये दाक मधु की तरह है, उन्हें काल्पनिक दुनिया में ले जाता है ताकि वो अपने कष्ट को थोड़ी देर भूल जाए। आइए हम इन चीजों से बचकर रहें, हम प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु की व्यवस्था में आनंदित रहें। इस संसार का सुख और आराम थोड़ी देर का है, लेकिन प्रभु का आनंद हमें बलवंत करता है, सामर्थी बनाता है, ताकि हम मसीह के कद तक बढ़ें, ताकि हम प्रभु के साथ अनंत काल तक जी सकें। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में बने रहे अंत तक। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमें ताड़ना दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ऊंची बुलाहट के लिए धन्यवाद। प्रभु इस बात की गंभीरता को समझते हुए चलने के लिए हम एक एक को मदद कर। आपका आगमन नजदीक है, शैतान की युक्तियों को पहचानते हुए प्रभु
आपके वचन पर मन लगाकर आत्मा में बलवंत होकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।